पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है और हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया जा रहा है। अभी हम मौजूद है झारखंड की राजधानी रांची में और देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्वजारोहण कर रहे हैं और तमाम जो आला अधिकारी DGP हो वो यहाँ पर मौजूद है। और जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुँचे उन्हें सलामी दी गई और अगर हम इस ओर आपको दिखाएं तो तमाम जो परेड की टुकड़ियाँ हैं वो मौजूद हैं। और किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस इस बार यहाँ मेहमान बनकर आई थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो परेड के बाद 44 जो झारखंड पुलिस के विभिन्न जवान हैं अधिकारी हैं उन्हें राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब भ्रमण कर रहे थे पूरे मैदान का तो लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। तमाम लोग भारत माता की जय कारे लगा रहे थे और देख सकते हैं कि पूरा जो मोराबादी मैदान है हजारों लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। और इस दौरान ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित करते हुए भी तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें याद किया और नमन किया। आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी के मतवाले लाखों देशभक्तों की शहादत के बदौलत हमें ये आज़ादी स्वतंत्रता सेनानियों के की गौरव गाथा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद भगत सिंह सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिनके कठिन त्याग और बलिदान ने हमें आज़ादी दिलाई। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुंडा वीर शहीद सिंधु कान्हो बाबा तिलका माझी चांद भैरव महन शोलो जानो वीर बुद्धू भगत जतरा टाना भगत नीलांबर पीताम्बर पांडे गणपत राय टिकेत उमराव सहित विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूँ जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। देश की सुरक्षा में लगे सेना के और पुलिस के वीर जवानों को भी मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और बलिदान को सलाम करता हूँ। मैं नमन करता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जिन्होंने आदिवासी दलित पिछड़ों को उनके हक दिलाने के लिए अथक प्रयास किया और सदियों से शोषित इस वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया। बाबा साहब के महान और दूरदर्शी सोच का ही प्रतिफल है कि पिछले 75 वर्षों में देश के आदिवासी दलित और पिछड़े वर्ग सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हुए हैं। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह आशीर्वाद से लगभग 3.5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य का बागडोर संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सरकार गठन के बाद हमने झारखंड में व्याप्त गरीबी बेरोजगारी पलायन जैसे समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीर प्रयास शुरू किए। हमने संकल्प लिया है कि राज्य की जनता के सहयोग से एक सशक्त झारखंड का निर्माण करेंगे। जन भावना और जन भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत है जहां गरीब वंचित मजदूर किसान आदिवासी पिछड़ा दलित सबको उनका अधिकार मिल सके। कमजोर से कमजोर व्यक्ति को की आवाज भी सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंचे तथा शासन प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता के परेशानियों का समाधान करे। मेरे विचार में यही राष्ट्र की सच्ची सेवा और सच्ची लोकतंत्र है। फिलहाल जिस तरह का उल्लास झारखंड सहित पूरे देश में देखा जा रहा है तमाम लोग भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो आज जब संबोधित कर रहे थे तो राज्यवासियों को जो उन्होंने वादा पहले किया था कि 3 कमरों का मकान देंगे अबुआ आवास योजना की घोषणा की है तो यह झारखंड के लिए एक बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना था अब अबुआ आवास योजना के नाम से जाना जाएगा और जो 3 कमरे का सपना लोगों का था वो साकार होगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंच पर डीजीपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित तमाम जो आला अधिकारी वो मौजूद थे और पूरा मैदान खचाखच लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।